जय हिंद। आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे हैं दिल्ली और पुदुचेरी। 17वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्यता, कौन कौन सी हैं? पहला तो है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अच्छा, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क्लास 1 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसको सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से? अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 61 के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 14 दिन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह में। नेक्स्ट, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, अगर वो नहीं है तो उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो अनुच्छेद 53 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं? तो अनुच्छेद 53 के।
नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123। अध्यादेश शक्ति का एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, जाके उसको देख सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है? क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है? तो इसका जवाब है नहीं। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब है एक अनुच्छेद 143। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।